थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे ये बोला कि मैं आज खूबसूरत लग रही हूँ, मतलब इससे पहले खूबसूरत नहीं लगती थी लेकिन आज कुछ ज़्यादा लग रही हूँ। क्योंकि आज इसलिए मैं ज़्यादा लग रही हूँ क्योंकि ये सब इनकी क्रिएटिविटी है जो आज इन्होंने मुझे एकदम ब्राइडल लुक दिया है एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मुझे खुद को भी देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं हूँ या कोई और है। सो इट्स अ वेरी नाइस, लाइक बहुत ही मुझे मज़ा आया इनके साथ काम करके, और इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड गाय और इतने मेहनती हैं, और मतलब मेकअप और हेयर के टाइम पे सिर्फ मैं हंसती रही थी, मुझे बोलते हैं कि अब बस हंसना बंद करो कि मुझे मेकअप करना है, तो बोला ओके फाइन। सो या इट्स सुपर्ब। ब्राइडल लुक की बात करें तो किस तरह ब्राइडल लुक आप एंजॉय करती हो और ये लुक आपको पर्सनली कितना पसंद आ रहा है? सी ब्राइडल, आपको पता है हर एक लड़की बचपन से कहते हैं ना, हर एक लड़की का सपना होता है कि वो कभी तो ब्राइडल यू नो जो भी कॉस्ट्यूम या जो भी आउटफिट पहने, तो हमेशा मुझे होता है कि मैं कभी ना कभी तो पहनूंगी आउटफिट ब्राइडल, बट नॉट कि मुझे शादी करके पहनना है, बट लाइक कभी ना कभी तो आपको ऐसा होता ही है कि पहनो। और जब मैंने ये आउटफिट पहना, बट इट्स टू हैवी, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हैवी है क्योंकि वॉक करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो थैंक गॉड कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ और मुझे ये आउटफिट एवरीडे नहीं पहनना पड़ेगा। सम टाइम इट्स फाइन, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और जब आप ब्राइडल कुछ ऐसा कॉस्ट्यूम पहनते हो तो यू फील लाइक प्रिंसेस, मतलब यू फील समथिंग एल्स, एक अदाएँ, एक नज़ाकत, एक अलग ही चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट हो जाती है इसके बाद, पहनने के बाद। जैसा भी आपने कहा यू नो मैं शादी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि रोज़ तो नहीं पहनना पड़ता, एक दिन ऐसा यू नो होता है जिस दिन ब्राइडल वेयर करना पड़ता है, तो आप शादी क्यों नहीं करोगी, यही वजह है शादी नहीं करोगी? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, बट मुझे लाइफ में एक्चुअली करना ही नहीं है, तो मैं बस वही बोल रही थी इनसे कि बस मेरे को ना तुम पहनाती रहो, वैसे मैं पहनती रहूँगी, बट कोई रीज़न नहीं है, बट इट्स अ पर्सनल रीज़न, बट आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे आपका शो बालवीर 3 आया है, क्या कहना चाहोगे, कितना प्रेशर, क्योंकि 1 और 2 काफ़ी अच्छा चला था और सीजन 3 आया है, तो कितनी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस? मतलब दिस इज़ माई लाइक आई थिंक सेकेंड लाइफ मुझे मिली है, मैं बेसिकली आपको बोलूँ, क्योंकि बालवीर जो है इट्स लाइक पॉपुलर शो जो पूरी दुनिया देखती है, एक बच्चे से लेके एक फैमिली, दिस इज़ अ फैमिली शो एक्चुअली यू नो, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लाइक इतना अच्छा कैरेक्टर, इतनी चैलेंजिंग कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ, नेगेटिव कैरेक्टर, और दूसरा क्या होता है कि आपको नेगेटिव करना लोगों को लगता है बहुत ईजी, ऐसे करो ये करो, इट्स वेरी ईजी, बट इट्स नॉट ईजी, लाइक यू नो, क्योंकि वो कैरेक्टर के बारे में सोचना, उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या होगा, मतलब वो कैरेक्टर जो तेतरा कैरेक्टर है वो तेतरा तेतरा कैसे बनी है, यू नो, तो इट्स नॉट ईजी, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम सो हैप्पी कि ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, और ऑडियंस मुझे क्या, ये पूरे शो में सबको, सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको प्यार अपना दे रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी जो भी आप शो देख रहे हैं, और प्लीज़ अब तो शो देखना बनता है क्योंकि मंडे टू सैटरडे, इनफैक्ट अभी डेली शो हो चुका है, सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम लाइक ग्लैड कि मैं ये शो कर रही हूँ। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे रियलिटी शोज आने वाले हैं, बैक टू बैक यू नो भी बिग बॉस आने वाला है, इसके बाद खतरों के खिलाड़ी है, फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम वेरी वेरी लाइक आई एम नॉट आई एम वेरी टफ गर्ल एक्चुअली, सो इट्स नॉट टफ कि मैं दिमाग से हूँ, बट मैं बॉडी से भी बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी स्ट्रांग एक्चुअली, इट्स नॉट टफ, आई एम वेरी स्ट्रांग गर्ल, सो मेरे को आप बोलेंगे कि ऑफकोर्स आई लव टू डू खतरों का खिलाड़ी, बिकॉज उसमें आई एम ए एनिमल लवर, ओके, सो मेरे को किसी भी जानवर से डर नहीं लगता है। सॉरी, शूट चालू है खतरों के खिलाड़ी किसी, हाँ, बट उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। सीरियसली मैं बोलूँ, मैं शिप को, आई नो शिप, तो मैं शिप को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड ऑफकोर्स अर्चना, शी ऑल्सो डूइंग फैंटास्टिक जॉब, वो मैंने एक्चुअली उनका एक वीडियो देखा, शायद उनको लग भी गया है, हाँ, तो
मतलब इट्स नॉट इजी यार, एक कोई भी एक एक्टर के लिए फेस पे चीज़ें लाइक मार्क आ जाना, बट इट्स ओके फाइन यार, ये शो में सब कुछ चलता रहता है. बट आप मेरे लिए, आपने जो पूछा है, मेरे मुझे ऐसा चांस मिले करने के लिए और उनको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं खतरों का खिलाड़ी, ऑफकोर्स बिग बॉस ऑल्सो, ऑफकोर्स दोनों इट्स अ सेम, लाइक थोड़ा खतरों का खिलाड़ी डिफरेंट है क्योंकि आपको उसमें यू नो मोस्टली लोगों को डर लगता है चीज़ें करने में, जानवरों से डर लगता है, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कॉकरोच से भी उतना ही प्यार है जितना मेरे को डॉग से प्यार है, यू नो. सो आई तो लाइक क्रेजी, बट ऑफकोर्स कुछ भी मिले तो इट्स फाइन यार. काम तो कहते हैं ना, ऊपर वाला तुम्हें जो भी दे रहा है उसे खुशी खुशी कर लो, इससे बड़ी चीज़ क्या है. तो काम जो भी मिले इट्स फाइन, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं नहीं मैं सिर्फ खतरों के खिलाड़ी करूँगी और मुझे बिग बॉस नहीं करना. बट उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया कि मैं ये सारी कुछ बोल रही हूँ, बट इन फ्यूचर कभी ऐसा होगा तो वाई नॉट, क्यों नहीं. मैं बिग बॉस, मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस अच्छा प्ले कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है. सो आई थिंक सो कि मैं बैलेंस बहुत अच्छा कर लेती हूँ चीज़ों को. मुझे गुस्सा भी आता है, पर गुस्से के साथ साथ मैं कहते हैं आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, मेरे को मैं जल्दी से रो भी देती हूँ, और बट किसी ने पंगा लिया तो फिर मैं छोड़ती भी नहीं हूँ. मतलब इट्स अ गुड वे, इट्स नॉट बैड वे. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. God bless you, everybody.
जानना चाहेंगे, काफी अलग लुक है और ब्राइडल लुक है, कितना एंजॉय कर रही हो आप ये लुक? मुझे ये लुक बहुत पसंद है, ब्राइडल लुक मुझे इतना, पहले भी मैंने ब्राइडल लुक किया है, पर ये जो ब्राइडल है ये मुझे एक अनुष्का की फिल्म याद आ गई है, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें रणवीर कपूर, ऐ दिल है मुश्किल, उसमें जो लुक है वो एग्जैक्टली मुझे आज वो लुक लग रहा है, तो मैं ये लुक में बहुत खुश हूँ। अगर ब्राइडल लुक की बात करें तो आप पर्सनली कौन सा कलर प्रेफर करते हो? मुझे पेस्टल कलर पसंद है, मुझे डार्किश कलर नहीं पसंद है, वो रेड मेहरून वो नहीं, आजकल थोड़े पेस्टल कलर, ये कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। फोटोशूट चल रहा है तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फोटोशूट किस मैगजीन का चल रहा है और आपको थोड़ा लुक्स के बारे में बता दीजिए। हमारा फैशन इंस्टा मैगजीन के लिए शूट चल रहा है और फोटोशूट हो रहा है और मैं इसको बहुत इंजॉय कर रही हूँ। साथ ही आप पंजाबी सॉन्ग में बहुत माने जाने आर्टिस्ट हो, आपका तेलुगु में मूवी भी आया था अहिंसा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ही नेगेटिव रोल था आपका। नेगेटिव रोल था बट बहुत पावरफुल रोल था, मुझे मज़ा आया था और वो फिल्म का रिस्पांस बहुत अच्छा आया और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जैसे कि टॉलीवुड और बॉलीवुड का टक्कर चलता है, क्या आप बॉलीवुड में कदम रखना चाहोगे? ऑफ कोर्स रखना चाहूँगी, रिजाइन नहीं दिया मैंने। मेरे फेवरेट है सलमान खान। लुक किसका पसंद है आपको? स्टाइलिश स्टाइलिश रणवीर सिंह। और एक्ट्रेस की बात करें, करीना कपूर, आई लव हर, मुझे वो जो उसका ऑरा है मुझे उनका बहुत पसंद है, वो उनका उनके टेंट्रम्स, उनका एक शो एक जो चल रहा है अभी वो मुझे शो बहुत पसंद है, तो मुझे उनको और क्या होता है जब एक आर्टिस्ट एक करेक्टर प्ले करता है तो इतना आपको रियलिटी उसकी नहीं पता चलती है कि वो अपनी रेगुलर लाइफ में कैसा रहता है, जब ऐसे रियलिटी शोज आते हैं तो उसमें पता चलता है कि हाँ ये कैसा इनका ऑरा है, कैसे बात करते हैं, क्या टेंट्रम्स है, तो मुझे उस लड़की के टेंट्रम्स बहुत पसंद है, जो मुझे मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसको फॉलो करूँ। हाँ वो सॉन्ग डिले हो गया, आज आने वाला था क्योंकि कल एक फिल्म आ रही ना आदिपुर पुरुष, तो वो इसके लिए डिले हो गया है, और वो सॉन्ग बहुत अच्छा है, बिन माही सॉन्ग का नाम है बिन माही, और एक्साइटेड हूँ उसके लिए, मे बी वो नेक्स्ट वीक आ रहा है अभी टी सीरीज के साथ। वो लवर सॉन्ग है, थोड़ा सैड सॉन्ग है बट थोड़ा हिप हॉप है, सैडनेस में हिप हॉप है, थोड़ा म्यूजिक है कि डांस वाला, और मधुर शर्मा उसमें सिंगर है मेरे अपोजिट में। यस ओके जिस तरह अभी आपने रियलिटी की बात करी कि यू नो रियलिटी शोज में लोगों को देखते हो तो ज़्यादा कुछ समझ में आता है, आप रियलिटी शोज के लिए कितना ओपन हो? यू नो अभी यहाँ पर बिग बॉस चल रहा है, शुरू होने वाला है, खतरे के खिलाड़ी के शूट शुरू हो गए हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस दोनों शो में से पिकअप करने की तो कौन सा शो होगा? बिग बॉस। बिग बॉस सिर्फ बिग बॉस क्योंकि बिग बॉस इसलिए क्योंकि मुझे मैं चाहती हूँ लोग मुझे रियलिटी देखें, लोग करेक्टर्स में मुझे अक्सर देखते हैं तो मैं चाहती हूँ लोग रियलिटी देखें, जो आप रियल हो, जैसे मैंने कहा मुझे रियलिटी पसंद है, मैं करीना कपूर की रियलिटी शोज़ इसलिए देखना पसंद करती थी, मुझे देखना है कि वो कौन है, एक पर्दे के बाहर भी एक आर्टिस्ट की दुनिया होती है जिसको लोगों को देखना चाहिए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ लोग मुझे देखें कि मैं रियलिटी में कौन हूँ और क्या मेरा ऑरा है। नो आइडिया, मैंने नहीं देखे, मैं देखती हूँ बट मुझे इसकी लिस्ट आई है वो मैं नहीं देख पाई क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बिजी थी अपना। मैं कहना चाहूँगी आप मुझे बहुत सारा प्यार दो, जाके मुझे बिग बॉस में डाल दो। थैंक यू।